नमस्ते है जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, एक बहुत गहरा सवाल पितृपक्ष आ रहा है, तो क्या पितृपक्ष में हीलिंग प्रैक्टिस करना चाहिए? क्या कोई कोर्स हमें करना चाहिए? क्या कोई शक्तिपात हमें पितृपक्ष के दौरान लेना चाहिए? क्या हमें हीलिंग प्रैक्टिस या किसी को हील पितृपक्ष में कर सकते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष में बहुत सारे कर्मकांड नहीं किए जाते हैं, क्योंकि हमारे पितृ इस संसार में उनकी आत्मा आई होती है हमें देखने के लिए, हमसे तृप्ति पाने के लिए। तो ऐसे समय में क्या हमें हीलिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए? इस सवाल का जवाब आपको बहुत ही सरल शब्दों में मैं समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये करना चाहिए या नहीं। अब समझिए बात को कि जब हम हीलिंग प्रैक्टिस के दौरान प्रार्थना कैसे करते हैं, कॉलिंग कैसे करते हैं, हीलिंग एनर्जी को कैसे बुलाते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही साफ सफेद शब्दों में हम बुलाते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांड की पवित्र आत्माएं, मेरे पूज्य गुरुजनों की आत्माएं, सारे एंजल्स आइए और इस हीलिंग में मेरी मदद कीजिए। ब्रह्मांड से पवित्र ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्र में उतरिए और मेरे हाथों से स्पंदित होकर मेरे हीलिंग में मेरी मदद कीजिए। तो इस तरह से हम कॉलिंग करते हैं, जिसमें कॉलिंग में चाहे किसी भी तरह की कॉलिंग हो, कॉलिंग के शब्दों का कैसा भी प्रयोग हो, लेकिन एक कॉमन चीज़ होती है कि परमपिता परमात्मा, ब्रह्मांड की पवित्र आत्माएं, एंजल्स और गुरुओं की आत्माएं। तो हम कहीं ना कहीं ऐसी आइडेंटिटी को कॉल कर रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं, जो शरीर में नहीं है। तो ब्रह्मांड की पवित्र आत्माएं कौन है? ब्रह्मांड की वह पवित्र आत्माएं कौन है? वह पवित्र आत्माएं आपके पितर भी तो हो सकते हैं, यानी कि हमारी कॉलिंग में ही कहीं ना कहीं हम उन्हें ही बुला रहे हैं। हमारे गार्डियन एंजल्स जो होते हैं वो भी हमारे ज़्यादातर पितर ही होते हैं, मतलब कि हमारे पूर्वज, ऐसे पूर्वज जो जा चुके हैं और बहुत अच्छी जगह पे हैं और वहाँ से वो हमें गाइड करने के लिए आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पितृपक्ष में आप हीलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनफैक्ट ये पितृपक्ष की में हीलिंग प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छे से होगी, क्योंकि आपके पास आपके एंसेस्टर्स यानी कि आपके पितरों का आशीर्वाद और उनकी शक्ति भी आपको मिलेगी। पितृपक्ष में शक्तिपात लेना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पितृपक्ष के समय आपके आसपास आपके पितर होते हैं, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स होते हैं, तो शक्तिपात के समय उनका हाथ भी आपके सर पर होता है। तो मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा कि जो अनइंटेंशनली आप ब्रह्मांड की पवित्र आत्मा कहा करते थे, इस हीलिंग प्रैक्टिस में यानी कि पितृपक्ष में किए हुए हीलिंग प्रैक्टिस में आप ये कहें कि मेरे पूर्वजों की पवित्र आत्माएँ को भी बुलाएं, मतलब हे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांड की पवित्र आत्माएं, मेरे पूर्वजों की आत्माएं, मेरे गुरुओं की आत्माएं, आइए और मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाइए और इस हीलिंग में मेरी मदद कीजिए। तो ऐसा कहते ही आपके मन से वह भार उतर जाएगा कि पितृपक्ष में तो आप उन्हें खुद ही बुला रहे, तो उनके आने से आपको सिर्फ शक्ति ही मिलेगी, आपको सामर्थ्य ही आपका आगे बढ़ेगा, आपका क्षमता ही आगे बढ़ेगी। तो इसमें कहीं पर भी कोई संकोच नहीं है कि आप पितृपक्ष में नहीं कर सकते, बल्कि पितृपक्ष में अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको तो पता ही है कि कैसे कौओं को हम भोग देते हैं। और मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप किसी भी धर्म से हैं तो पितृपक्ष को आप माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा अपने पूर्वजों को प्रणाम करना चाहिए, अपने एंसेस्टर्स को प्रणाम करना चाहिए कि जो भी हमारे जिनके शरीर से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारे शरीर से हमारी आगे की जनरेशन जाएगी, तो एक ब्लड लाइन है, तो हमेशा अपने ब्लड लाइन का आदर करना चाहिए, हमेशा अपने ब्लड लाइन्स को प्रणाम करना, चाहे वो अपने समय में कैसे भी रहे हों, चाहे उन्होंने कई गलतियाँ की हो सकता है कि कई पूर्वजों से हम नाराज़ होते हैं, कई पूर्वजों से हमारी कुछ नाराज़गी होती है, तो उसको आप छोड़ कर, जो भी इंसान शरीर छोड़ दिया है वह अब परमात्मा में विलीन हो चुका है, तो रहने दीजिए, प्रेम से आदर से उन्हें कॉलिंग कीजिए, उन्हें बुलाइए
और उनकी क्षमता का, उनकी शरीर शक्ति का फ़ायदा उठाइए, जिससे आपकी हीलिंग प्रैक्टिस और अच्छी ही होगी। आशा करता हूँ यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।